हेलो एवरीवन। तो चलिए आप लोग, सबसे पहले मैं अपना अपना फास्ट टिप्स, मैंने आज तक इतना दूर कभी गया ही नहीं, और वो टिप्स भी अकेले। अभी मजा आएगा ना। टू नेपाल, मेरा एक फ्रेंड जादिद अल अमीन, उसका रूम पे हूँ, और अभी मैं जाने वाला हूँ स्टेशन से मेरा ट्रेन होगा 10:45 को, 10:45 को, फिर वहाँ से जाके फिर न्यू जलपाईगुड़ी, वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी बस मैं उसका रूम से निकलने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो उसके रूम में। देखिए भाई साहब, MBBS का लाइफ मत पूछो यार, बहुत ही हार्ड है। मैंने देखा साले को इतना पढ़ते हुए। तो चलिए हम निकलते हैं, हमारा लेट हो रहा है। अभी मैं हॉस्टल 4 के बैक साइड के गेट से निकल रहा हूँ, निकाल के देखता हूँ सामने से ऑटो ले लूँगा। जो मेरे सामने भैया है वो भी नेपाल का, वो मेसी नेत्रालय वहाँ के पास की रहने वाले, जहाँ पे मैं आई के चेकअप के लिए जा रहा हूँ। और अभी मैं जस्ट अलीपुरद्वार क्रॉस कर चुका हूँ, और मुझे यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी NJP में पहुँचने के लिए शायद और 2 घंटे या 3 घंटे लगेगा। मतलब मैं अप्रोक्स 7:30 को शायद वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और मुझे वहाँ से एक कार लेना पड़ेगा क्योंकि नेपाल बॉर्डर रात 9 बजे क्लोज हो जाता है। तो देखता हूँ कि मुझे ये क्या मिलता है, और वहाँ से कार लेके मैं नेपाल बॉर्डर के थ्रू जाके नेपाल में एक होटल ले लूँगा, और आज रात वहाँ पर रह जाऊँगा।
तो गाइस फाइनली 746 को मैं आके एनजेपी पहुंच गया और मैंने यहाँ से एक कार ले लिया मैंने और वो भैया जो आपको दिखाया था, हम दोनों ने मिलके यार कार बहुत ज़्यादा ले लिया यार, 1500 ले लिया। सिर्फ 35 या 40 किलोमीटर्स होगा वहाँ से एनजेपी से नेपाल बॉर्डर, बट हमको देना पड़ा मतलब वो 750 या 750 हाफ ऑफ करके। और नेपाल बॉर्डर रात को 9 बजे क्लोज हो जाएगा, इसलिए हमको लेना पड़ा यार, क्या करें रात का टाइम है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही होता है। और ये फाइनली मैं नेपाल बॉर्डर में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे फ़ोटो लेना और वीडियो करना, ये बॉर्डर के अंदर तुम फ़ोटो नहीं ले सकते हो, वीडियो भी नहीं कर सकते हो, वहाँ पे पूरा साफ साफ मना है, अगर देख लिया तो तुम्हें फिर पकड़ा जाओगे। फाइनली मैं नेपाल में आ गया यार दोस्तों, क्या बोलो आप, सुबह कितना बजे निकला था शायद, सुबह 8 बजे को निकला था GMCH से और अभी रात को 10 बजे। अभी मैं नेपाल में एक रूम में हूँ, होटल में हूँ, वहाँ पे होटल लिया है यार, कितना मस्त रूम दिया है, देखो रुको एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो यार क्या हाई फाई रूम है यार, देख रहे हो बाथरूम, बड़ा हरामी हो बेटा भाई साहब, ये बेड देखो यार, पता नहीं 2 पिलो किस लिए दिया है तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, सारा दिन से नहीं सोया, अभी मैं पूरा एकदम एक बार शावर ले लूँ फिर बाद में आराम से सो जाऊंगा, पूरा सुबह जाऊंगा। मेसी नेत्रालय मेसी आई हॉस्पिटल शायद वहाँ पे जाऊंगा, देखिए अपना आँखों का चेकअप करा के आऊंगा, देखता हूँ रिटर्न कब होता हूँ। और एक चीज़ जो आप लोगों को दिखाना है, ये देखिए मुझे नेपाल का ये 100 रुपये, ये 500 रुपीज़ मिला, ये नेपाल का 500 है। यहाँ पे भी इंडिया का पैसा पूरा चलता है, कोई इग्नोर नहीं करता, हर कोई लेता है। और यहाँ पे इंडिया का 100, यहाँ का नेपाल का 160 हो जाता है। मैंने इस रूम के लिए 650 पे किया था, इंडियन 650 पे किया था, और मैंने मतलब 1000 दिया था, मुझे नेपाल का ये 600 मुझे दिया था, ये 500 और ये 100 है। और आप लोगों को पैसे के लिए अगर आएंगे तो पैसे के लिए मतलब एक्सचेंज के लिए कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगा आप लोगों को इंटरनेट यूज़ करने में, क्योंकि यहाँ पे नेपाल में जब पहुँच जाओगे तो आपका इंडियन सिम काम नहीं करेगा आपका। और मैं अभी होटल का वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, और अगर यहाँ से बाहर जाऊँगा तो मेरा सिम काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा मतलब बॉर्डर एरिया के आसपास में सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत सिग्नल रहता है, बट उससे आप कॉल नहीं कर पाते, फिर आपका मैसेज भी बहुत बहुत स्लो। तो फाइनली अभी सुबह है यार, सुबह 7 बज चुका है, तो मैं जा रहा हूँ मैसी नेत्रालय, देखता हूँ यहाँ से कोई गाड़ी मिलता है क्या। और ये देखिए आप लोग यहाँ से मेरे रूम से कैसे दिखता है, इस बिल्डिंग में मैं ठहरा था, तो चलो चलते हैं अभी मेसी नेत्रालय। फाइनली आई एम इन मेसी नेत्रालय, मैं यहाँ पे आके पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत पहले पहुँचना चाहिए था, मैं निकला था 7 बजे, बट मैं घूम के पहुँचा नहीं और एक मेसी आई हॉस्पिटल में चला गया था, तो अभी फिर वहाँ से घूम के आया, बहुत सारा मतलब 40 किलोमीटर। अभी मैं आया जस्ट, आके नाम एंट्री किया यहाँ पे, और देख सकते हो कितना सारा लोग है यहाँ पे, यहाँ का क्रेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ का मैक्सिमम पेशेंट जो है वो आसाम से है और वेस्ट बंगाल से, मतलब मैक्सिमम आसाम से जाते हैं लोग यहाँ पे आँखों के लिए, क्योंकि आँखों का ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है।
आप लोग शायद नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और ये ऑप्टिकल का शॉप है, यहाँ पे मतलब लेंस वगैरह वो जो प्रेस्क्राइब किया होता है वो बनाते हैं, और फ्रेम भी है यहाँ पे अच्छा खासा। और सामने जो है वो रिसेप्शन है, वहाँ पे आप लोगों का नाम डॉक्यूमेंट्स वो स्वाता पता वहाँ पे देना पड़ता है। और आप लोग आप जनरल दिखाएंगे या इमरजेंसी में, शायद 400 लेता है इमरजेंसी में, और जनरल में 200 में हो जाता है। इमरजेंसी में एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट कराना हो तो वो 200 में हो जाता है। और ये है कैंटीन, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब हाँ सब कुछ भात भी मिल जाता है, खाना वाना सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। यार फाइनली मेरा हो गया, आज सुबह से मैं इतना मेहनत करके आया था यहाँ पे, और मेरा -2 था, अभी मुझे -3.5 का मुझे लेंस लगा है। ये देख रहे हैं आप लोग वहाँ पे ये देखिए मेची नेत्रालय लिखा हुआ है यहाँ पे, वही सामने जाके ये आपका नेपाल बॉर्डर का जस्ट थोड़ा ही, मतलब आप मतलब पैदल ही आ सकते हैं यहाँ पे। और कुछ चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है कि ये बस अगर आप लोग किसी को आँखों का प्रॉब्लम है अगर यहाँ पे आके दिखाना चाहते, क्योंकि मैक्सिमम लोग ही यहाँ पे नेपाल में आते हैं आजकल, तो आप लोग ना इवनिंग का ट्रेन से आइए। इवनिंग का ट्रेन पे आएंगे तो आप रात को आएंगे, रात को 10-11 बजे वहाँ पे आके NJP न्यू जलपाईगुड़ी में आके वहाँ पे होटल में रह जाएंगे। वहाँ पे आप लोगों को 400-500 में होटल मिल जाएगा। और सुबह 8 बजे शायद वहाँ से बस आता है, सिर्फ 80 रुपीज़ लेता है बस, 80 या 100 रुपीज़ लेता है। और मैक्सिमम आप लोगों का NJP से नेपाल बॉर्डर पे आने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 150 देना पड़ेगा। मैंने तो 750 से कार लिया था, वो मतलब यार मत बहुत ज़्यादा गया मेरा, बहुत ज़्यादा गया। और फिर रूम भी 650 दिया है, मतलब एक्सेस मेरा वो चला गया है। आप लोग ऐसे मत कीजिए, वहाँ पे NJP पे ही रह जाइए रात को। एंड ये फाइनली मैं नेपाल छोड़ रहा हूँ। ये है मेची रिवर, और मेची ऊपर जो मेची ब्रिज है, या इस ब्रिज से सिर्फ टमटम बाइक वो वगैरह जाता है। और उस लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ना, वहाँ से वो बड़ा गाड़ी जो कुछ कार वगैरह सब कुछ वहाँ से जाता है। और वो वहाँ पे जो सामने जाके आप लोगों को वहाँ पे वीडियो करने भी नहीं देगा, और वहाँ पे आप लोगों को वोटर आईडी मतलब आपका नेपाल एंट्री करने में पासपोर्ट नहीं चाहिए, आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए सिर्फ। वहाँ पे बहुत अच्छा चेकिंग होता है, बहुत मतलब स्ट्रिक्टली चेक करता है, वोटर आईडी चेक करता है, और बैग में अगर क्या कुछ वो सब पूछता है, बहुत ज़्यादा मतलब पूछता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया ना, इसलिए बैग में क्या है कुछ है, या मतलब अगर थोड़ा उनको डाउट हुआ तो उसको वो स्कैन करेंगे वो सब। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, और मैं बस 2 मिनट में वो मेरा रिव्यू, मैंने जो नेपाल में मेची नेत्रालय में अपना आँखों का ट्रीटमेंट कराया है उसका बस एक रिव्यू दे देता हूँ कि अगर आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल मतलब मेडिकल स्टूडेंट का सभी का देखना है यार, मैक्सिमम लोगों का चश्मा है, और हम लोगों का अगर किसी का ना आप लोगों का किसी का मायोपिया मतलब दूर का डिस्टेंस नहीं देख रहा होगा, सामने का पास का दिखाई दे रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उन लोगों के लिए, उन पेशेंट के लिए अगर आसपास नोगा हो या गुवाहाटी हो जहाँ पे मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा मतलब ट्रीटमेंट मिले वहाँ पे दिखा दीजिए। क्योंकि आँखों का या ट्रीटमेंट सभी में सेम है, वही तुम वही लेंस लगा के ABCD पढ़ाएंगे वहाँ पे भी। और मतलब मैंने नोगा पे भी किया था, वहाँ पे जो मतलब इंस्ट्रूमेंट था नेपाल में भी वही था, मतलब सेम ही है यार। तुम्हें चश्मा देंगे और टेबलेट देंगे और ड्रॉप देंगे वही, और नेपाल में भी वहाँ पे वही होगा, आसाम का कहीं पे भी दिखा तो वही सेम होगा। और अगर मतलब आप लोग और किसी का ऑपरेशन हो, मतलब इस जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था इमरान शाहीन बोल हुआ था उसका, हाँ उसका आँखों का पावर बहुत ही कम था, -12 -13 ऐसा था हाँ, तो उसको यहाँ पे गुवाहाटी नेत्रालय में उसको 75,000 या 65,000 बोला चार्ज किया। फिर बाद में वो नेपाल गए, नेपाल में उसका ट्रीटमेंट मतलब आँखों का ऑपरेशन सिर्फ 25 में हो गया। तो मतलब जस्ट वही, अगर किसी को ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन कराना हो, और मतलब ये जो मायोपिया डिजीज वो नहीं है, अलग वगैरह हो, तो वो नेपाल में जा सकते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप लोगों को नेपाल जाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं हो, आप लोग आसाम में कहीं पर भी दिखा दीजिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा इस YouTube में मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।